नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद आपके समक्ष फिर मेरी सीरीज लेक्चर ऑन एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड भाग को लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको कुछ क्लासिकल थ्योरीज पर बेस्ड लॉज की बात करूंगा जो मेरे पिछले लेक्चर में बताए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की फीचर्स को एक्सप्लेन करने की एक प्रयास किया इन्होंने। सर्वप्रथम विन ने उस स्पेक्ट्रम को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ये ज्ञात किया कि किसी दिए गए ताप पर लेमडा एवं लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ रेंज में स्पेक्ट्रल ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी निम्न प्रकार दी जाती है। यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू एफ ऑन लेमडा फाइव एफ लेमडा टी डी लेमडा, जहाँ ए कोई कांस्टेंट है, एफ लेमडा और टी का एक फंक्शन है। इस फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए विन ने ब्लैक बॉडी के रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तुलना मैक्सवेल वोल्ट्जमान के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से की और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एफ लेमडा टी इज इक्वल टू ई माइनस के अपॉन लेमडा टी ली। जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू ए अपॉन लेमडा फाइव ई माइनस ए अपॉन लेमडा टी डी लेमडा। इस इक्वेशन को विन का विकिरण नियम कहते हैं। इस इक्वेशन में ए और ए कॉन्स्टेंट्स है जो हम एक्सपेरिमेंटली या प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। इस विकिरण नियम के आधार पे विन ने एक और नियम दिया। उक्त समीकरण का वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा एल एम पर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि वो अधिकतम है तो ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं, डी यू लेमडा अपॉन डी लेमडा इज इक्वल टू जीरो और डी अपॉन डी लेमडा टू लेमडा की वैल्यू हम विन रेडिएशन लॉ का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, ए अपॉन लेमडा एम फाइव ई माइनस ए लेमडा एम टी इक्वल टू जीरो। जब इस इक्वेशन में लेमडा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। इसमें आप देखिए ए अपॉन लेमडा फाइव के साथ टू अगर लग जाता है तो ए अपॉन लेमडा सिक्स कॉमन है, ई माइनस ए अपॉन लेमडा टी दोनों साइड भी कॉमन है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमको देता है ए अपॉन लेमडा एम माइनस फाइव इजिकल टू जीरो, जिससे हमको मिलता है लेमडा एम टी इज इक्वल टू ए अपॉन फाइव और लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी, जहाँ बी विन नियतांक कहलाता है और इस इक्वेशन को विन का विस्थापन नियम कहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की विशेषता बताई थी तो उसने ये भी बताया था कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ
जो मैक्सिमम एनर्जी है वो शॉर्टर वेवलेंथ की ओर पड़ती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। यदि विन के विकिरण नियम को इस यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इसके एनर्जी डेंसिटी यू लेमडा को लेमडा के रेस्पेक्ट में यदि आलेखित करें, ग्राफ बनाएं, तो इस तरह का ग्राफ हमको प्राप्त होता है जो यहाँ कटान बिंदुओं से दिखाया हुआ है। इसको विन कर्व या विन वक्र कहते हैं। इसके साथ ये जो कर्व आपको दिखाया हुआ है गहरी लाइन में, ये वो प्राइवेट वर्क के वक्र है, प्राइवेट एक्सपेरिमेंट कर्व है जो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एक्सपेरिमेंटली प्राप्त कर चुके हैं। आप देखिए शॉर्ट वेवलेंथ पर तो विन का नियम एक्सपेरिमेंटल कर्व के अनुरूप प्राप्त हो रहा है, पर जो लार्जर वेवलेंथ्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल कर्व और विन कर्व मैच नहीं कर रहे हैं, अर्थात दोनों में डिफरेंस है, जो इस बात को इंगित करता है कि विन का रेडिएशन लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को लॉन्गर वेवलेंथ की ओर स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाता है। अतः इनका नियम पूर्णतया एक्सपेरिमेंटल कर्व को समझाने में असमर्थ रहा, क्योंकि ये विन का नियम मैंने पहले भी आपको बताया पुराने चिरसम्मत जो नियम थे उन पे आधारित था, अर्थात उन सिद्धांतों को जो यहाँ यूज किया गया था उनमें कुछ कमी रही होगी। उसको हम आगे देखेंगे कि वो क्या थी, उसको किस तरह से दूर किया गया। इसी तरह का एक और क्लासिकल थ्योरी बेस्ड प्रयास रेले और जीन की द्वारा किया गया। रेले जीन्स ने ब्लैक बॉडी की दीवारों में स्थित परमाण्विक दोलकों द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में केविटी के अंदर आपतन व परावर्तन के परिणाम स्वरूप बनने वाली अपरगामी तरंगों की अवधारणाएं प्रस्तुत की। इन अवधारणा के साथ साथ उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन नियम का उपयोग कर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को स्पष्ट करने की कोशिश की। इसमें रेले के अनुसार ब्लैक बॉडी वाल में मौजूद परमाण्विक दोलकों द्वारा अप्रगामी तरंगें उस प्रकार बनती है जिस प्रकार एक क्यूबिकल केविटी, जिसको घनाकार क्वार्टर आप हिंदी में कहते हैं, के पूर्ण परावर्तक दीवारों के बीच मिक्स्ड वेवलेंथ की अप्रगामी तरंगों का निर्माण करती हो। इन अप्रगामी तरंगों की कंपन विद्या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि अप्रगामी तरंग का समीकरण y=a sin k dot r cos ωt से दिया जाता है, जहाँ के डॉट आर को उसके कंपोनेंट में हम kxx kyy प्लस kzz लिख सकते हैं, जहाँ a एम्पलीट्यूड, kx kyz एक्स वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपेगेशन कांस्टेंट के कंपोनेंट्स हैं, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है,
अपरगामी तरंगों के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि इन तरंगों का निष्पंद हमेशा केवीटी की दीवार पर बने, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब दीवार पर इनका निष्पंद बनता है तो इनके कारण जो विभिन्न पैटर्न बनते हैं वो यहाँ मैंने फिगर में शो किए हुए हैं। आप इसके समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कंडीशंस हैं उनमें किस तरह से निष्पंदों के बनने से अलग अलग लूप हमको मिलते हैं। क्योंकि कैविटी की वाल पर इनके नोड बनने चाहिए, अतः जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हमने ली थी उसमें यदि मैं kx इजिकल टू एन एक्स पाई अपोन है, ky इजिकल टू एन वाई पाई अपोन है, kz इजिकल टू एन जेड पाई अपोन है लूँ तो उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हमको देती है वो इस दीवार के ऊपर। इसका मीनिंग वहाँ निष्पंद बनने की प्रतिबंध का संतुष्टिकरण हो जाता है। जहाँ nx या ny या nz की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3 से n तक, और a जो यहाँ दिया हुआ है वो है घनाकार क्वार्टर की लंबाई। ये चीज़ हम इस कोर्स में आगे जाके देखेंगे जब हम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि प्रोपगेशन कांस्टेंट के स्क्वायर उनके कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, अतः मैंने इनका सम स्क्वायर का सम लेकर के उसकी वैल्यू जब रखी और इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं उनको अलग किया तो मुझे ये प्राप्त होता है एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड इजिकल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई। परंतु आप जानते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो होता है के इजिकल टू 2π/λ और लेमडा इजिकल टू होता है सी बाई न्यू, तो के इजिकल टू ले सकते हैं 2π/ν/c, जहाँ न्यू आप अच्छे तरह से जानते हैं फ्रिक्वेंसी है और सी प्रकाश का वेग है। जब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होता है, जिसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको मैंने अलग कर दिया है जिससे मुझे एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड इजिकल टू 4a²μ²c² प्राप्त होता है। अब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यू 1, 2, n कुछ भी हो सकती है। क्योंकि nx, ny, nz का एक समुच्चय पूरा सेट एक कंपन विधा को दर्शाता है, अतः इस समुच्चय में केवल प्राकृत संख्या ही हम ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी ऊपर भी बताया है। इस कारण से इन धनात्मक मानों के लिए जो कि nx, ny, nz का समुच्चय रखते हैं के लिए आवृत्ति की मान 0 से ν तक की संपूर्ण विधियाँ 2a μ/c, ध्यान दीजिए 2a μ/c त्रिज्या के गोले के 8वें भाग में निहित बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको कि हमने एक ऐसे स्पेस की बात की है जो nx, ny और nz से मिलके बना है, और इस स्पेस में बाकी जितने भी पार्ट हैं उन सब में कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आएगा। केवल जो 1/8 पार्ट है जिसमें nx, ny, nz सभी धनात्मक होंगे, केवल वही पार्ट हमको धनात्मक सेट
देगा। इस कारण से यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप समझ सकते हैं कि ये जो गोला लिया हुआ है, इस गोले की त्रिज्या हमने 2nu/c ली हुई है और इस गोले का केवल 1/8 पार्ट यहाँ डिस्कस हम कर रहे हैं। अतः क्वार्टर में कंपन विद्याओं की संख्या 1/8 एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि 4π/3 इंटू रेडियस का क्यूब होता है, जहाँ रेडियस यहाँ हमने ली हुई है 2nu/c, उसको मैंने यहाँ रखा है। इस इक्वेशन को सोल्व करके अपने हमें मिलता है 4π/3 a³/c³ न्यू क्यूब। चूँकि a³ केविटी का वॉल्यूम है, अतः एकांक आयतन में कंपन विद्याओं की संख्या हमको ज्ञात करनी होगी। तो इन पूरी संख्याओं में वॉल्यूम का भाग हम दे दें तो हमको एकांक आयतन में कंपन विद्याओं की संख्या या कंपन विद्याओं की संख्या का घनत्व मिलता है, जो होता है 4π/3 न्यू क्यूब ऑन सी क्यूब। अतः क्वार्टर में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच के आवर्ती प्रास में कंपन विद्याओं का संख्या घनत्व हम ज्ञात कर सकते हैं d/dq का डिफ्रेंशिएशन करके, जिससे हम 4π/3 3μ²/c³ डी न्यू 4π/c³ μ² डी न्यू हमको मिलता है। चूंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो ध्रुवण अवस्थाएं, दो पोलराइजेशन स्टेट्स होती हैं, इसलिए क्वार्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें प्रत्येक फ्रिक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग दो तरह की पोलराइजेशन स्टेट हमको मिल सकती है। अतः जब न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू फ्रिक्वेंसी रेंज में विद्युत चुंबकीय तरंगों की कंपन विद्याओं की बात करेंगे तो ये ऊपर जो कंपन विद्याएं मिली उसका दुगना होगी, इसलिए यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मोड ऑफ वाइब्रेशन से उनका नंबर डेंसिटी nu/dν=8π/c³/dν प्राप्त होता है। हम जानते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन के नियमानुसार प्रत्येक कंपन विद्या में माध्य ऊर्जा kT होती है, जहाँ k आपको मालूम है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1.38×10⁻²³ J/K होता है। T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केविटी का। अतः केविटी में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक के आवृत्ति पास में ऊर्जा घनत्व बराबर होगा कंपन विद्याओं का कुल संख्या घनत्व और प्रत्येक कंपन विद्या की माध्य ऊर्जा, अर्थात nu/dν/kT, जहाँ 8π/c³ डी न्यू आपका nu/dν है और kT से जब इसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो 8π/c³ dν प्राप्त होता है। ये इनका रेडिएशन ला है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। हम जानते हैं कि nu=c/λ होता है और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो dν=absolute value के रूप में, जो कि माइनस का हम यहाँ उपयोग नहीं कर रहे, c/λ²dλ हमको मिलता है। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ रखता हूँ, न्यू का मान c/λ लेता हूँ और डी न्यू का मान c/λ²dλ, तो मुझे मिलता है केविटी में लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ रेंज में एनर्जी डेंसिटी।
इस तरह से प्राप्त होती है एट पाई के टी अपॉन सी क्यू सी स्क्वायर अपॉन डे। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे मिलता है यू लेमडा डी लेमडा इजिकल टू एट पाई के टी अपॉन लेमडा फोर डी लेमडा। ये कहलाता है विन का सॉरी रेलेजेंस का विकिरण नियम। ये वेवलेंथ के लिए विकिरण नियम है, लेमडा प्लस टी लेमडा रेंज के लिए मैंने आपको बताया। अब इस इक्वेशन को यू लेमडा वर्सेज लेमडा के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात करके प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का कर्व हमको प्राप्त होता है। ये रेले जीन्स कर्व है जो इस इक्वेशन से प्राप्त हो रहा है, जो रेले जीन्स विकिरण नियम है उससे प्राप्त होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो मैंने आपको बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेले जीन्स का जो कर्व है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच पूरी तरह से नहीं कर रहा है। जो शॉर्टर वेवलेंथ है उस पर तो दोनों कर्व मैच कर ही नहीं रहे हैं। कुछ पार्ट में जो लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट है उस पर जाकर के दोनों कर्व एक दूसरे से मिल रहे हैं। अतः रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो केवल दीर्घ वेवलेंथ के लिए लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट के लिए ही लागू होता है, शॉर्टर वेवलेंथ पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कर्व से डेविएट होता है। रेले जीन्स रेडिएशन लॉस यहाँ मैंने दिखाया हुआ है आपको, इससे स्पष्ट है कि यू न्यू न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जो कर्व है वो न्यू के साथ लगातार ऊर्जा घनत्व में वृद्धि को दर्शा रहा है, जो कि प्रायोगिक कार्य के अधिकतम ऊर्जा घनत्व की अवस्था को नहीं समझा पाया है। आपको मालूम होगा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से प्राप्त होने वाला एक्सपेरिमेंटल कर्व है उसमें वेवलेंथ के साथ पहले एनर्जी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पे जाती है, फिर डिक्रीज होती है, तो दोनों चीज़ों को ये नहीं समझा पाया। हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। चूँकि हम जानते हैं यू न्यू डी न्यू इज गिवन बाय दिस रिलेशन जो कि रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ है, किसी ताप टी पर न्यू जीरो से इन्फिनिटी आवृत्ति के विकिरणों का कुल ऊर्जा घनत्व जब हम ज्ञात करते हैं तो इसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो ये वैल्यू इन्फाइनाइट प्राप्त होती है। अर्थात इसका मीनिंग उच्च आवृत्ति या लघु तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी सेक्टर जिसको कहते हैं के विकिरणों का ऊर्जा घनत्व अत्यधिक होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक रूप से इस कंडीशन की पुष्टि नहीं होती है। इस कारण से इस विपदा को जो यहाँ प्रकट हो रही है इस विपदा को पराबैंगनी विपद कहते हैं। इस लेक्चर से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो तत्कालिक चिर सम्मत सिद्धांत थे उन पर आधारित विन तथा रेले जीन्स के जो विकिरण नियम उन्होंने डिराइव किए थे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्रायोगिक परिणामों की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सके थे। धन्यवाद।